अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बनाना बहुत ही जरूरी है। बोर्ड्स वाले के लिए नहीं, लेकिन जेई और नीट प्रिपरेशन करने वाले के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, डेफिनेटली कर लिया करो। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर यही क्लास 12th के सॉलिड स्टेट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट, कि इनमें से कौन सा कंडीशन जो है वो फेवरेबल है किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट में रहने के लिए। तो प्यारे बच्चों बता दूं आपको कि सॉलिड स्टेट मैटर का ऐसा स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करके रहना चाहते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलके रहना चाहते हैं, सटे हुए रहना चाहते हैं। और ऐसे केसेस में जो कोहेसिव फोर्स यानी कि पार्टिकल के बीच में जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, सेम पार्टिकल में जो फोर्स जो लगता है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये कंडीशन तो खराब हो गया, पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं यहाँ पर हाई फोर्स होने की वजह से। इस कारण से पार्टिकल्स के मोशन के कारण से जो एनर्जी बनती है दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी बहुत ही लो होनी चाहिए। ये एक सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये भी चला गया खत्म, हाई थर्मल एनर्जी दिया हुआ है। और ऐसे केसेस केवल संभव होते हैं लो टेम्परेचर पर, क्योंकि जब टेम्परेचर आप हाई रखोगे तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी हीट बढ़ने कारण से, दैट इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर द सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट, है ना। तो सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट में रहने के लिए ना ही हाई टेम्परेचर चाहिए, ना ही हाई थर्मल एनर्जी होना चाहिए, ना ही वीक कोहेसिव फोर्स होना चाहिए, इन सभी के उल्टा। और साथ ही साथ सही आंसर जो हमारा है वो कौन सा है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर सॉलिड स्टेट में रहने के लिए किसी सब्सटेंस के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।